सीतापुर की सबसे बड़ी खबर जो कि महमूदाबाद में बीते दिनों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताते चले कि शिक्षक और छात्रा की कहानी के किस्से कुछ यूं चले कि अच्छे अच्छे लोगों ने उस छात्रा का नाम और पता उजागर कर डाला। कुछ दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें 411/24 अभियोग धारा 126(2), 127(2), 144, 140 और 75 BNS और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में कुछ गलत कृत्य एक टीचर के द्वारा किया गया था, जिसके संदर्भ में आप सभी को पहले से जानकारी है कि उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में आगे पुलिस को यह जानकारी मिली कि कुछ लोगों के द्वारा ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो पीड़िता है उसका नाम उजागर करते हुए उसका प्रार्थना पत्र, उसके वीडियोस और उसके कुछ फोटोज़ को डाला गया था। इन लोगों को पुलिस के द्वारा इसी अभियोग के अंतर्गत कुल 6 लोगों को अभी हम लोगों ने एक नोटिस दिया है। 179 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इन लोगों को नोटिस दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि यदि कोई सेक्सुअल असॉल्ट की कोई पीड़िता है उसका नाम उसकी पहचान उजागर करना गैरकानूनी है, इसको कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अन्य न्यायालयों के द्वारा भी बताया गया है और अब ये BNS की धारा 72 के अंतर्गत एक क्राइम भी बनाया गया है। तो अभी इन 6 लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है, इनसे कहा गया है कि ये अपने जो ऑनलाइन उन्होंने पोस्ट किया था उसको डिलीट करें और उसका कारण स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में इनके द्वारा ऐसा किया गया। यदि इनका स्पष्टीकरण उचित नहीं पाया जाएगा तो इनके विरुद्ध धारा 72 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ, विशेषकर जो लोग सोशल मीडिया और मीडिया कर्मी हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस तरह के अगर कोई पीड़िता है उसका नाम उसकी पहचान उजागर बिल्कुल ना करें। ये उस पीड़िता के लिए बहुत ही परेशानी की बात बन सकती है, तो इसलिए इस तरह का कानून बनाया गया है, सभी लोग इसका पालन करें। हम लोग की आपसे ये अपील, धन्यवाद। अब पुलिस ने निशाना साधा है उन लोगों पर जिन्होंने इस घटना के बाद लगातार सोशल मीडिया पर बैक टू बैक पोस्ट करते जा रहे थे और छात्रा का नाम पता सब लोगों के सामने लाकर रख दिया। पुलिस ने कुछ ऐसा चुनिंदा लोगों पर शिकंजा कसा है जिनमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व विधायक रह चुके नरेंद्र सिंह वर्मा पुत्र राम अकबाल वर्मा जी हैं। वह सोनू वर्मा पुत्र उत्तम, शिवेंद्र यादव पुत्र राम कुमार, संजय वर्मा पुत्र राम सिंह वर्मा, प्रशांत बंसवार उर्फ मंटू पुत्र वीरेंद्र बंसवार और शिवम वर्मा शिक्षक जय भारत शिक्षा निकेतन बसावनपुर सेमरी चौराहा। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा नोटिस का जवाब नियत समय पर संतोषजनक ना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। छात्रा का नाम व पता पास्को का तहत दर्ज मामले में बालिका की पहचान की थी उजागर। जैसा कि हर कोई जानता है कि शिक्षक द्वारा और नाबालिग छात्रा को कमरे के अंदर बंधक बनाकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें कई व्यक्तियों ने इस मामले को संवेदनशील सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे थे। SP चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने इन सभी को नोटिस भेजा है। आप सबको पता ही होगा कि पास्को की धारा 23 के तहत किसी भी लड़की के पहचान उजागर करना या सोशल मीडिया पर उसका नाम व पता लोगों के सामने पेश करना कानूनी अपराध है।